साथियों नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा और आज का जो हमारा टॉपिक हो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में जो हमारा चैप्टर है सॉफ्टवेयर है, तो आज हम बात करेंगे डिटेल में सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सॉफ्टवेयर होता है क्या, तो सॉफ्टवेयर एक प्रकार से अनटचेबल इंटेंजिबल जो है पार्ट होता है कंप्यूटर का, और जो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट भी होता है जो कि वर्क के परफॉर्मेंस टास्क के ऊपर जो है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि अगले स्लाइड में कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर के टाइप्स में जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं हम अगले कुछ जो है स्लाइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला है जो आपका सॉफ्टवेयर टाइप्स। तो सॉफ्टवेयर टाइप्स में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, हार्डवेयर में क्या क्या होता है। तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे आप इमेज को देखें तो यहाँ पर दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका एमएस वर्ड, पेंट, फायरफॉक्स, जीटॉक, स्काइप, एक्सेल, गेम्स आदि जो है ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। फिर बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स एंड यूटिलाइजेशन, हार्डवेयर में आपका डिस्क, सीयूपी, रैम, एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं ये आपके सॉफ्टवेयर में आती हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पर आपको डिवाइड किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्राम होता है उसको सपोर्ट के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो डेवलप किया जाता है प्रोग्राम को, वही जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो कि प्रोग्राम दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम्स, दीज आर कंपल्सरी सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। मतलब इसके बिना सिस्टम जो है, लैपटॉप आपका, कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, तो ये जो आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन हम बात करते हैं आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया हुआ है, सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डू यूजर्स टास्क आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जिस टास्क को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको जो है हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, मानते हैं। जैसे कि आपका फोटोशॉप होता है, एडोब फोटोशॉप, मीडिया प्लेयर होता है, आपका वेब ब्राउजर होता है जो कि ब्राउजिंग के लिए होता है, एडोब रीडर होता है, बारकोड रीडर होता है, ये सब ऐसे एक सॉफ्टवेयर हैं जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको एक टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। देन बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने 4 से 5 एग्जांपल प्रदर्शित है। आप देख सकते हैं स्मॉल एंड यूजफुल प्रोग्राम विच सपोर्ट ऑल डिवाइसेस आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, डिस्क डॉक्यूमेंटेशन, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, जो कि एंटीवायरस तो आप सभी लोग जानते हैं, आजकल मैक्सिमम सभी लोग फोन यूज कर सकते हैं, पीसी में यूज करते हैं, लैपटॉप मोबाइल सब में यूज करते हैं, तो आप एंटीवायरस से तो आपको परिचित हैं, इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आप समझ सकेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि इसमें कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका दे देगा एंटीवायरस, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, डिस्क डॉक्यूमेंटेशन, डिवाइस ड्राइवर, इसके बाद आपका एक ऑप्शन और बढ़ा देगा एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, फिर आपका ऑप्शन उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा नहीं है। तो आपको एमएस वर्ड ऑप्शन है तो उसको सेलेक्ट कर दिए, वो नहीं, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, जो भी आपका दिया हुआ है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वहां पर आपका आंसर जो है मिल जाएगा। देन बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर OS means operating system होता है, तो operating system का जो work होता है, operating system is a software which acts as an interface between users and the computer hardware। तो यहाँ पे जो इसका क्या होता है, इसका interface होता है user और computer hardware के बीच में। जैसा कि आप एक picture, एक image के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, image में दर्शाया गया है आपके screen पर user, application और hardware, operating system। तो यहाँ पे क्या होता है, hardware जो operating system पे, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन जो है यूजर पे, तो एक दूसरे से जो है इंटरफेस से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं इस इमेज में। देन बात करेंगे आगे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे विंडोज, मेंटोस, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, आजकल तो एंड्रॉयड का जो है टाइम चल रहा है, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। देन बात करते हैं कि इसमें तो विंडोज में, तो विंडोज जो है वर्डली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट,
कॉर्प। देन बात करते हैं इनबिल्ट ब्राउजर, तो इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। फर्स्ट वर्जन विंडोज 1.0 आया, लेटेस्ट वर्जन जो विंडोज 10 आपका चल रहा है। देन बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एड, ये जो है ब्राउजर केवल जो है विंडो 10 में जो है यूज होता है। देन बात करेंगे तो इसमें मैसिंटोस की बात करेंगे तो ये जो है मैक ओएस एसोसिएटेड एप्पल कॉर्पोरेशन, जो भी एप्पल के जो भी फोन आते हैं उसमें यूज होता है, एप्पल के लैपटॉप या पीसी जो भी आते हैं उसमें यूज होता है। इसका फर्स्ट वर्जन 1.0 था और लेटेस्ट जो इसमें 10.10 चल रहा है। इसमें इनबिल्ट ब्राउजर जो सफारी होता है, डिफरेंट वर्जन जो है इसके मैक के, इसमें चीटेक, पुमा, जगवाई, पैंथर, टाइगर, लेपर्ड, लायन, माउंटेन लायन आदि जो है। अगर हम देखते हैं तो एप्पल की तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो प्राइवेसी के तौर पर अगर देखें तो सबसे सेफ जो है ब्राउजर जो माना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैक का जो है माना जाता है। देन क्वेश्चन बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जाम्पल्स में लाइनेक्स भी है, तो लाइनेक्स एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है। और इसमें जो है कुल मिला के ये है कि जो इसमें जो कोई कंपनी के एसोसिएटेड जो है नहीं होता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसे कहलाते हैं, और इसको कोई भी यूज कर सकता है। देन बात करते हैं यूनिक्स की, तो यूनिक्स का फुल फॉर्म आपका क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो यूनिक्स में क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इट इज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यूनिक्स का यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका जो है इसको लिखा गया, उसका यूज किया गया। देन बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके एग्जाम्पल्स में तो एंड्रॉयड, आप सभी लोग एंड्रॉयड से परिचित हैं, जो ये गूगल कॉर्पोरेशन का है। फर्स्ट वर्जन इसका अल्फा 1.0 आया था, लेटेस्ट वर्जन इसका मार्समैलो आरआर 6.0 चल रहा है, जो कि इसके डिफरेंट वर्जन एंड्रॉयड के आप सभी लोग जानते हैं, अल्फा 1.0, कपकेक, डोनाटेलो, फोरियो, जॉलीबीन, किटकैट 4.4, लॉलीपॉप 1.2, मार्समैलो 6.0, तो इसके जो है एग्जाम्पल हैं एंड्रॉयड वर्जन के। देन बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने टाइप का होता है, तो इसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ये केवल एक पीसी को एक टाइम पे जो है एक पर्सन को ये केवल यूज करने देता है उस टाइम पे, जैसे एमएस डॉस विंडोज जो है इसके एग्जांपल है, जो कि आपको एरो भी दिया गया है, आप देख सकते हैं जो है आपको प्रतीकात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया, आप देख सकते हैं कि जो सी फिर उसके बाद हाइफन फिर डैश फिर जो है इसमें आपको दर्शाया गया कि इसमें जो है केवल वन यूजर वन टाइम पे यूज कर सकता है। देन बात करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग की, तो इसमें जो है बहुत सारे कंप्यूटर को नेटवर्क को एक से कनेक्ट करके रखा जाता है और इसको जो है यूज किया जाता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम स्लाइस अप द मेन फ्रेम्स रिसोर्सेज एंड डिवाइडेड इट आउट, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक इमेज के द्वारा दर्शाया गया क्लाइंट वन सर्वर क्लाइंट टू, तो क्लाइंट वन जो है सर्वर के थ्रू क्लाइंट टू को जो है जोड़ता है, तो इसमें कई लोग जो है वन टाइम पे जो है सिस्टम को यूज कर पाते हैं। देन बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स में, तो यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइंड फॉर अ सर्वर। एग्जाम्पल में आपको दिया गया हुआ विंडो एनटी, विंडोज सर्वर 2000, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2013, ये आपके जो है विंडोज सर्वर के जो है एग्जाम्पल हैं। देन बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, तो इसका मीन्स ये होता है कि जो इसका जो रन जो होता है ज़्यादा होता है एक प्रोग्राम एक ही टाइम पे, तो दिस इज कॉमनली डन व्हेन कॉपिंग अ पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट एंड pasting into the document. In this case, the two programs running are the browser and the word processor. It is the operating system which manages the process. तो यहाँ पे आपको multitasking operating system को एक तरीके से जो है इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर इसको run कराया जाता है और एक program पे इसका use किया जाता है एक समय में। Then बात करेंगे operating system की types की, तो इसमें single tasking operating system आता है, तो सिंगल टास्किंग कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि इसके बाद जो आपका आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सपोर्ट ओनली वन टास्क एट ए टाइम, मतलब एक समय पर एक ही काम को पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
इन सच सिंगल टास्किंग एनवायरमेंट द टास्क एग्जीक्यूशन इज सिक्वेंशियल। इसका जो है एक समय पर एक ही यूज होता है और ये सिक्वेंस से इसका यूटिलाइजेशन होता है। देन बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, RTOS पे वर्क करता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन RTOS इज मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सो दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन एग्जीक्यूट्स इन प्रिसाइसली द सेम अमाउंट ऑफ द टाइम एवरेज। जैसे आपका विंडोज एम्बेडेड होता है, देख सकते हैं कंपेयर 2013, इसमें क्या होता है कि इसको जो है विंडोज ऑलरेडी होता है, इसमें आपको अलग से जो है विंडोज को पायरेटेड को यूज नहीं किया जाता है। देन बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहले हम हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर पे बात करें कि हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो इसका जो है एक बहुत ही बड़े फील्ड में यूज होता है, दिस सॉफ्टवेयर विच आर बीइंग यूज वाइडली। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का, तो कोई भी बैंक होता है तो उसकी अनेक ब्रांचें होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, लार्ज नंबर एम्प्लॉय होते हैं, तो उसको जो यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, टैली। तो इस तरह के बैंकों में जो यूज होता है सॉफ्टवेयर फिनेकल, वो भी बहुत ही वाइड एरिया में यूज होता है। देन बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इसमें वर्टिकल सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर विच आर डेवलप्ड फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एट नोन। तो ये जो हमने आपको बताया फिनेकल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक इमेज दर्शाई गई जिसमें अकाउंट सेक्शन एंड प्रिंट का डिटेल दिया गया हुआ है, जिसमें सोल आईडी, सीसीवाई कोड एंड जनरल लेजर कोड जो है पूछा गया है। तो इस तरीके के जो वर्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो पर्सनल यूज के लिए जो बनाए गए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ये जो है वर्टिकल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे फिनेकल हो गया आपका, और जो है बैंकों में एचआरएमएस जो यूज होते हैं ये आपके वर्टिकल सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। देन बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सूट की बात करेंगे तो इसमें कलेक्शन ऑफ पर्सनल प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस। तो इसमें जो भी एमएस ऑफिस में आप डेटा जो भी आप कलेक्ट करते हैं वो आपका एप्लीकेशन सूट कहलाता है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल में जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो आपका एप्लीकेशन सूट में आता है। देन बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग की, तो वर्ड प्रोसेसिंग का क्या होता है, इसका एक असिस्टेंट फॉर्मुलेटिंग होता है जो कि प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को, लेटर को, मेमोज में जो प्रिंट करते हैं, तो इसमें जो प्रोसेसिंग होती है यही आपका वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। मीन्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, मेमोज एंड पेपर्स। तो जो आपको मैंने हिंदी में बताया कि जो भी हमें कोई भी वर्ड फाइल खुली है, अगर हम उसको प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी का हम जो उस पर प्रेस करते हैं कीपैड, तो उसमें जो प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है वही आपका वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। देन बात करेंगे स्प्रेडशीट की, तो स्प्रेडशीट क्या होता है कि कोई भी आप देखते हैं फाइनेंशियल या लॉजिकल डेटाबेस जो भी आप इमेज बनाते हैं उसमें जो टाइम आपका कैलकुलेट होता है वही आपका जो स्प्रेडशीट कहलाता है। स्प्रेडशीट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस फॉर स्टैटिकल, फाइनेंशियल, लॉजिकल डेटाबेस ग्राफिक्स एंड डेटा एंड टाइम कैलकुलेशंस, जैसे आपको स्क्रीन पर एक इमेज के माध्यम से जो है बताया गया है। तो इसमें जो है टोटल जो देखिए आप नंबर काउंट होते हैं, तो इसमें जो नंबर काउंट होने में जो टाइम लगता है वही आपका स्प्रेडशीट कहलाता है। देन बात करेंगे ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स का क्या यूज होता है, इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसी इमेज को, पिक्चर को विजुअलाइजेशन के लिए जो भी हम यूज करते हैं, उसको पढ़ने के लिए यूज करते हैं, वो आपका ग्राफिक्स कहलाता है। तो ग्राफिक्स क्या होता है, ग्राफिक्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एनीथिंग इन अ बेटर एंड इजियर वे, बाय विजुअलाइजेशन वी कैन लर्न इट बेटर। जैसे आप देखते हैं कि आप बसों पे जाते हैं तो बसों पे कहीं कहीं आपको LCD लगी होती है, LCD में प्रमोशन आते हैं, तो प्रमोशन को इमेज के माध्यम से उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जो है समझाने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है जो कि यूज हो जाता है, ये ग्राफिक्स के अंदर जो है इसको यूज करते हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन ग्राफिक्स का प्रमोशन में भी होता है, TV में जैसे आप देखते हैं मूवीज या सीरियल्स जो भी, इसमें जो आपको एड दिए जाते हैं समझाने के तरीके प्रोडक्ट के बारे में, बहुत ही आसान तरीका होता है विजुअलाइजेशन का, तो यहाँ पर आपका ग्राफिक्स का यूज होता है। देन बात करते हैं अदर सॉफ्टवेयर कैटेगरीज की, तो यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, उसको कोई भी यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है अपने फोन में, आप अपने PC में यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एंड्रॉयड वर्जन है लाइनक्स है, तो एंड्रॉयड वर्जन में मैक्सिमम जो है आपके एप्लीकेशन है, एप्स हैं, वो फ्री मिलते हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आप फोन में यूज करते होंगे PC पे फेसबुक, व्हाट्सअप जो है यूज करते हैं आप एप्लीकेशन,
एमएक्स प्लेयर, तो ये सारे जो आपके एप्लीकेशन है आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देन बात करेंगे अदर सॉफ्टवेयर कैटेगरीज की, तो इसमें फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं गूगल, क्या आप जो है क्रोम यूज करते हैं, मोजिला यूज करते हैं, सफारी यूज करते हैं, तो ये जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं इनका फ्री टू यूज होता है। आप कॉमर्शियल यूज करिए या आप कोई भी यूज करिए, इसका कोई भी चार्ज कोई भी लाइसेंस का पेमेंट नहीं होता। ये जो है आपके फ्रीवेयर में सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कैटेगरी में अगर पूछा जाता कि फ्रीवेयर में जो है आपका एग्जाम्पल क्या है, तो आप वेब ब्राउजर का जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन बात करेंगे शेयरवेयर के बारे में, तो शेयरवेयर में क्या होता है, शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज ऑन ए ट्रायल बेसिस बिफोर पेइंग फॉर इट। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन परचेज करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप अगर आप पीडीएफ से वर्ड में चेंज करना चाहते हैं किसी भी फाइल को, तो वहाँ पे पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर आता है, तो इस कन्वर्टर को अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे गूगल पे जाके सॉफ्टवेयर को सर्च करते हैं, देन आप उसको अगर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन दिया होता है ट्रायल फॉर 14 डेज फ्री। तो इसमें क्या होता है कि आपको 14 डेज पूरा होने पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये 14 डेज तक आपका जो फ्री सॉफ्टवेयर होता है ये आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप लोग आजकल नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, तो नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि आपको जो पहले आपको पेमेंट डिटेल जो है भरनी होती है, मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का डिटेल आपको भरना होता है, उसके बाद आप एक महीने फ्री यूज करते हैं, उसके बाद आपका पेमेंट ऑटोमेटिक आपका कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल शेयरवेयर का एग्जाम्पल है, यहाँ से आप जो है शेयरवेयर का एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। देन बात करेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ यूला, तो यूला का आपका जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि EULA यूला का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ क्या इसका फुल फॉर्म होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट यूला। तो ये एक प्रकार का एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑथर और पब्लिशर। तो इसका क्या होता है कि ऑथर पब्लिशर और जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का जो है इसमें एक एग्रीमेंट होता है, जो कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के टाइम पे आपके उस पर जब आप सेटअप को आप रन कराते हैं किसी भी फाइल को, तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं आपके नीचे लिखे हुए डाउन साइड में। पहला ऑप्शन होता है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, दूसरा होता है आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो वहां पे जब तक आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक उस फाइल को आप उस सॉफ्टवेयर को आप रन नहीं करा पाएंगे, इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का आपका यूला का जो एग्जाम्पल हो गया। आप अगर विंडो इंस्टॉल करते हैं या फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आप नीचे लिखा होता है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आप जब तक आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट नहीं टिक करेंगे तब तक जो है आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। देन बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड इट इसके वर्जन के बारे में, इट्स वर्जन। तो यहाँ पे आपके विंडोज के वर्जन अलग अलग होते हैं, तो इसको विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 10.1 जो है अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आपका विंडो 10 है, आप देख सकते हैं कैसे यूज किया गया है। विंडो 8 का भी एग्जाम्पल उसी में साइड में दिया गया हुआ है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता क्या है, तो यहाँ पे बात करते हैं तो इस पे हम फोकस करते हैं। तो विंडोज इज अ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डेट टूगेदर विद सम कॉमनली यूज्ड बिजनेस एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेस हैज बिकम स्टैंडर्ड फॉर इंडिविजुअल यूजर इन मोस्ट कॉर्पोरेशंस एज वेल एज इन मोस्ट होम्स। तो इस पे घर पे भी यूज कर सकते हैं, कंपनियों में भी यूज कर सकते हैं। इसको जो है कॉमनली बिजनेस एप्लीकेशन के लिए जो है इसको वर्ड और एक्सेल आदि के लिए जो है बनाया गया है। देन बात करते हैं विंडो के वर्जन की, तो आप देख सकते हैं कि विंडोज के कौन कौन से वर्जन और कब रिलीज हुआ। यहाँ पे सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है विंडोज 1.01 कब जो है रिलीज हुआ, तो यहाँ पे आपको 20 नवंबर 1985 जो है आप दे सकते हैं। टोटल वर्जन विंडोज के कितने ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोटल नंबर आप विंडोज वर्जन के, तो आप 13 ऑप्शन अगर आपका आता तो आप उसको टिक करेंगे। आने वाले टाइम में अभी और एक वर्जन जो है इसका रिलीज होने वाला है, तो अगर 10 से 15 दिन में वो भी रिलीज हो, अगर 10-15 दिन बाद अगर आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम में ऑप्शंस आपका 14 होता है तो आप 14 को टिक करेंगे न कि 13 को। तो यहाँ पे लेटेस्ट आपका जो विंडो 10 है आपका 29 जुलाई 2015 को जो है वर्जन जो है रिलीज हुआ है विंडो 10। देन बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में,
तो स्टार्टिंग द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, तो वहाँ पे बूटिंग होता है। तो बूटिंग क्या होता है, तो बूटिंग क्या होता है कि जब कंप्यूटर ओपन करता है तो लोडिंग जो होती है, लोडिंग और रीलोडिंग जो होती है वो आपका जो है कंप्यूटर मेमोरी से होती है, वही आपकी बूटिंग कर लेते हैं। तो बूटिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग और रीलोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू द कंप्यूटर्स मेमरी। तो बूटिंग को प्रोसेस कैसे करते हैं, तो बूटिंग दो तरीके से होती है। द बूटिंग प्रोसेस आर टू टाइप्स, फर्स्ट कोल्ड बूट, सेकंड वार्म बूट। तो कोल्ड बूट में क्या होता है, लोड्स द ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द पावर इज टर्न ऑन। अगर आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो यहाँ पे कोल्ड बूट होता है, और अगर आप सिस्टम जो है आपका रिलोड होता है तो ये आपका वार्म बूट में आता है। वार्म बूट रिलोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। फिर हम उसके आगे बात करेंगे तो टास्क परफॉर्म एट बूट अप के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पोस्ट, पोस्ट आपके एग्जांपल में ऑप्शन आ सकता है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, पोस्ट कंप्यूटर में। तो अब कंप्यूटर में पोस्ट का फुल फॉर्म पे बात करेंगे तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जो कि रन अ पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट टू चेक द डिवाइसेस दैट द कंप्यूटर विल रिले ऑन आर फंक्शनिंग। मतलब कंप्यूटर आपका सिस्टम आपका वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो यहाँ पे पोस्ट का यूटिलाइजेशन होता है। इसके लिए सीपीयू, रजिस्टर, डिवाइस कंट्रोलर और जो भी इसकी मेन मेमोरी होती है उसको सबको लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद इसको चेक करता है। तो यहाँ पे हार्डवेयर का कोई यूज नहीं है, इसमें केवल जो है सॉफ्टवेयर का यूज है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली जो है इसको जो है पोस्ट कर लेता है। देन बात करेंगे तो यूजर ऑथेंटिकेशन की। तो यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए आपका आईडी पासवर्ड होता है। तो ऑथेंटिकेशन के यूजर के लिए लॉगिन के लिए किसके लिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो यूजर नेम आपका इनबिलिंग यूजर इंटरफेक्शन विद क्लाइंट होता है, तो आप अपने आप इसको जो है कर सकते हैं स्विच यूजर, एक कई अकाउंट आप बना सकते हैं सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे आप अलग अलग यूजर अलग अलग अपना पासवर्ड प्राइवेसी कोड डालकर जो है उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। देन बात करेंगे विंडोज स्क्रीन की। तो विंडोज स्क्रीन आपकी आपको इमेज के माध्यम से दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे स्टार्ट बटन, प्रोग्राम बटन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, शो डेस्कटॉप बटन, गैजेट्स, एक्सप्लोरर विंडोज, ये शॉर्टकट सारी चीज़ें जो इमेज के माध्यम दर्शाई गई हैं एरो के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टास्क बार नीचे होता है या ऊपर होता है, नोटिफिकेशन एरिया कहाँ पे होती है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बॉटम अप, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, उसको जो है आप एग्जाम में देख सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन को कैसे टिक करें। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को जो है बारीकी से समझने की जरूरत है, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम बटन जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, टास्क बार नीचे होता है, नोटिफिकेशन एरिया आपके राइट साइड होता है डाउन की साइड, गैजेट्स आपके आप जहाँ भी शिफ्ट करना चाहें विंडोज के स्क्रीन पे आप वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट तो आपके कोई भी फाइल है, अगर डायरेक्ट फाइल नहीं आपके स्क्रीन पर जो है प्रदर्शित है वहाँ पर नहीं सेव की गई है, तो अगर अदर फोल्डर से शॉर्टकट सेंड किया गया है कि जैसे होता है आप माई कंप्यूटर में गए डी ड्राइव में, वहाँ से कोई आपने सेंड टू डेस्कटॉप किया, तो वो जो आपके फाइल डेस्कटॉप पे सेव होगी वो आपके शॉर्टकट में आएगी। देन बात करते हैं विंडोज स्क्रीन की। तो विंडोज स्क्रीन आपकी माउस पॉइंट के स्टार्टअप बटन से होता है। तो यहाँ पे आपका देखते हैं कि आप स्क्रीन में इमेज के माध्यम देख सकते हैं स्क्रीन टिप लिखा हुआ स्टार्ट, जैसे आप माउस का माउस को हिलाते हैं तो वहाँ पे स्टार्ट की जगह अगर आप माउस ले गए तो वहाँ लिख के आगे स्टार्ट। जैसे आपका यहाँ पे फाइल्स है तो यहाँ पे आप फाइल्स पर टिक करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा माई कंप्यूटर, माउस दिखाएगा। मोजिला यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपका आइकन बना हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर आप माउस को ले जाते हैं तो वहाँ पे उसके ऊपर दिख जाएगा इंटरनल एक्सप्लोरर। अगर हम राइट साइड में बात करते हैं तो आपका टाइम दिखा हुआ है कि 2:31, तो यहाँ पे आपका 2 PM 31 जो आपका दिखा रहा है, यहाँ पे अगर आप माउस को ले जाएंगे तो आपका वॉच दिखाएगा, कैलेंडर दिखाएगा, उसके नीचे घड़ी पे ले जाएंगे। तो इस तरीके के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देन बात करेंगे विंडोज स्क्रीन की। तो स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या होता है, तो स्टार्ट मेन्यू की बात करते हैं तो जब हम सबसे पहले पॉइंट को ले जाते हैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं प्रोग्राम होते हैं, लिस्ट माइट डिफर, देख सकते हैं आप इस इमेज में लिखा हुआ प्रोग्राम्स योर लिस्ट माइट डिफर।
यहाँ पे आपके अलग अलग प्रोग्राम दिए गए हुए हैं, आप एग्जांपल में देख सकते हैं डेस्कटॉप गैजेट गैलरी डिफॉल्ट प्रोग्राम्स इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज डीवीडी मेकर विंडोज फैक्स एंड स्कैनर, इसमें एक्सपीएस व्यूअर एंड एसेसरी गेम्स सारे चीज दे रखे हैं। फिर हम बात करते हैं फोल्डर कंटेनिंग द अदर प्रोग्राम, तो इसमें क्या होता है नॉर्टन का होता है। फिर हम बात करेंगे अगर पॉइंट टू बैक टू रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल स्टार्ट मेन्यू, तो यहाँ पे बैक पे जाते हैं आप, मेन मेन्यू पे आप आ जाते हैं। देन बात करते हैं कि एक्सप्लोरिंग द स्टार्ट मेन्यू, एक्सप्लोर कहाँ से करेंगे, सारे भी जितने हमारे फाइल हैं सारे फोल्डर, तो वो हम कहाँ कहाँ से मेन फोकस एरिया पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे कमांड पे, तो इसके नीचे अगर आप कोई डायरेक्ट अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि किसी भी हम फोल्डर या फाइल को डायरेक्ट सर्च कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर, तो जो है टूल बार जो होता है उसके नीचे सर्च का ऑप्शन होता है। सर्च में आप किसी भी टेक्स्ट को आप लिखेंगे, फाइल्स का नाम लिखेंगे अगर आपके कंप्यूटर में होगी, तो आपको सीधे जो है दिखा देगी। और फिर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ऑल प्रोग्राम में, तो ऑल प्रोग्राम में भी आपकी फाइलें दिखा देंगी। फिर हम बात करते हैं कि पेन क्या होता है, तो इसमें राइट पेन होता है, जो यूजर होता है जो ऑथेंटिकेट करता है अपने विंडोज को यूज करता है, वो आपका जो राइट पेन होता है। फिर बात करते हैं कमांड की, तो कमांड फॉर एक्सेसिंग फाइल्स, यहाँ पे जो आपके ऑनर लिखा हुआ है या किसी का नाम हुआ, मेरा नाम हुआ तो अदर्स डॉक्यूमेंट पिक्चर, ये चीज़ कमांड आपकी एक्सेस करने, फाइल एक्सेस करने के लिए डिटेल दी जाती है। फिर बात करते हैं टूल की, तो टूल क्या है, उसका रिसोर्स क्या है, कंप्यूटर में कैसे यूज किया जाए, तो यहाँ पे आपके गेम्स कंप्यूटर कंट्रोल पैनल डिवाइस एंड प्रिंटर डिफॉल्ट प्रोग्राम हेल्प एंड सपोर्ट, जो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये आपके टूल्स को एक्सेस करने के लिए रिसोर्स है आपके कंप्यूटर का, तो ये आता है टूल्स फॉर एक्सेसिंग रिसोर्सेज ऑन योर कंप्यूटर। देन बात करते हैं बटन और लॉगिंग ऑफ एंड टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट के बाद आपका एक राइट साइड में आपके राइट साइड में आपके ऑप्शन दिखे जाते हैं शट डाउन, बगल में एक एरो बना होता है, एरो पे अगर टिक करते हैं तो स्विच यूजर रिस्टार्ट स्लीप मोड शट डाउन के ऑप्शन जो है आपके आते हैं, तो ये आपका क्या होता है कि लॉगिंग ऑफ और टर्निंग ऑफ योर कंप्यूटर के जो है ऑप्शंस होते हैं। फिर बात करते हैं हम विंडोज स्क्रीन की, तो विंडोज स्क्रीन में क्या होता है कि आइकन फोल्डर शॉर्टकट ये सारे चीजें जो होती हैं, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइकन्स होता है, फोल्डर होते हैं जिसमें आप कोई भी फाइलें सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट होता है जो कि आप किसी अदर प्लेस से यहाँ पे आप सेंड करते हैं शॉर्टकट, जो फाइल वो शॉर्टकट में आती है। रिसाइकल बिन में जो भी आप आइटम डिलीट करते हैं रिसाइकल बिन में वो आइटम जो है सेव हो जाती हैं। माई कंप्यूटर में आपकी सारी फाइलें प्रोग्राम फाइलें जो भी आपकी अलग से जो आप एक्सटर्नल जो है इंटरनल जो भी आपकी डिवाइसेज होती हैं हार्ड डिस्क होती हैं वो आपको यहाँ पे सो होती हैं। माई डॉक्यूमेंट में जो भी आप डॉक्यूमेंट डायरेक्टली सेव करते हैं वो भी होता है, प्लस जो ऑटोमेटिक आप सेव करते हैं कि सेव एज, तो सेव एज में आप जब जाते हैं तो जहाँ सेव करते हैं वहाँ होता है, जब डायरेक्ट आप सेव करते हैं तो माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है। फिर कंट्रोल पैनल में बात करते हैं, जो जहाँ पे आप प्रोग्राम्स की सेटिंग्स में प्रोग्राम को इंस्टॉल अनइंस्टॉल पे जाके यूज कर सकते हैं। देन बात करेंगे माई कंप्यूटर में, तो माई कंप्यूटर में क्या क्या होता है, तो हार्ड ड्राइव ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है, नेटवर्क होता है आपके कंप्यूटर का, इसके साथ साथ अगर आप यूएसबी कोई फ्लैश ड्राइव लगाते हैं या कोई डीवीडी लगाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको आपके माई कंप्यूटर में जो है आपको माई कंप्यूटर के पेज पर शो होती हैं, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। देन बात करेंगे रिसाइकल बिन की, तो रिसाइकल बिन में जितने भी आपके डिलीटेड आइटम्स होते हैं वो जो है रिसाइकल बिन में होते हैं, अगर आप डबल क्लिक करते हैं रिसाइकल बिन पे तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं। इफ यू डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन टू व्यू द कंटेंट ऑफ द रिसाइकल बिन। देन ऑपरेटिंग विंडोज एक्सप्लोरर पे बात करें, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग विंडोज एक्सप्लोरर होता क्या है, तो यहाँ पे अगर ओपनिंग विंडो पे अगर हम क्लिक करते हैं ओपनिंग विंडोज एक्सप्लोरर पे, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट ओपन होने पे, तो शॉर्टकट मेन्यू पे पूरा डिटेल दिखाई देगा, तो आप इमेज देख सकते हैं। राइट क्लिक द स्टार्ट बटन प्रॉपर्टीज ओपन विंडोज एक्सप्लोरर शॉर्टकट मेन्यू योर्स माइट और डिफर, जो आप शॉर्टकट मेन्यू डालेंगे वो एक डिफरेंट होगा। देन बात करते हैं विंडोज एक्सप्लोरर स्क्रीन की, तो इसमें आपके ऑप्शंस आप देख सकते हैं, टैब विद इन द रिबन आपका अलग डायरेक्ट दिया गया हुआ है, सर्च बॉक्स भी आपको उसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं कि ये फोल्डर कहाँ पे है कैसे आप सर्च करेंगे। एड्रेस बार में आप देखिए एरो बना हुआ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में, बैक फॉरवर्ड एंड अप बटन भी इसमें होता है, कोई भी फाइल आप खोलते हैं तो आपके सामने जो भी स्क्रीन है उस पर लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपका अपर साइड में दिया होता है एरो बैक फॉरवर्ड अप बटन का। देन हम बात करते हैं नेविगेशन पेन की, तो नेविगेशन पेन आपके जो लाइब्रेरी होती है लाइब्रेरी के नीचे आपके चार से पाँच ऑप्शन होते हैं डॉक्यूमेंट म्यूजिक पिक्चर वीडियो, उसमें आप इमेज में दर्शाया गया आप देख सकते हैं कि नेविगेशन पेन होता क्या है।
और आपकी फाइल्स एंड फोल्डर कहाँ पे होते हैं, तो माई कंप्यूटर में होते हैं, पूरी आपके प्रदर्शित किया गया। स्टेटस बार आपका डाउन साइड में होता है, कॉलम नेम्स आपका अपर साइड में होता है, जो कि टाइप में दिखाता है कि टाइप किस टाइप का फोल्डर, तो न्यू फोल्डर आपका पूरा दिखा रहा है, पीएनजी फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारी चीजें जो आपकी दिखा रही हैं, ये आपकी कॉलम नेम्स में आती हैं। देन बात करेंगे नेविगेशन विद विंडोज एक्सप्लोरर। तो नेविगेशन विद विंडोज एक्सप्लोरर में क्या होता है, तो आप सबसे पहले आप कोलैप्स आइकन पे जाते हैं, मीन्स लाइब्रेरी दिखा रहा है, लाइब्रेरी वहां पे जाते हैं, फिर आप डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद जब माई डॉक्यूमेंट जाते हैं, एक्सपेंड आइकन होता है, एक्सपेंड आइकन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर जो है ये दिखाता है, आपका एक्सपेंड आइकन कहलाता है। इसमें नीचे जो अदर चीजें भी दिखाई गई हैं, म्यूजिक विंडोज, वीडियोज, तो लाइब्रेरी में आपके डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोज, ये सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें जो आपका एक्सपेंड आइकन होगा वो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर होगा। देन बात करेंगे आगे की विंडोज 7 लेटेस्ट में क्या क्या प्रोवाइड कराता है। तो विंडोज 7 प्रोवाइड्स एट लिस्ट 8 वे टू व्यू द कॉन्स्टेंट ऑफ अ फोल्डर, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल्स, टाइटल, कॉन्स्टेंट। तो किसी भी फाइल को जब खोलते हैं तो सबसे पहले आप जाते हैं तो आपके स्क्रीन पर राइट साइड में आपके ऊपर दिखा होता है, वहां पे आप माउस से जाके पॉइंट को रखते हैं, वहां पे ऑप्शन आ जाते हैं, जब आप उसको क्लिक करते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, तो वहां से आप जो है कर सकते हैं, चेंज व्यू को कर सकते हैं बटन क्लिक करने के बाद मेन्यू पे। ये आपका क्या कहता है, स्लाइडर ड्रैग टू सिलेक्ट अ व्यू, वहां पर आप माउस से बढ़ा घटा सकते हैं कि छोटा देखना, बड़ा देखना, आपको बटन भी नहीं प्रेस करना है। ये आपके क्या होते हैं, एक्सप्लोरिंग विंडोज होते हैं। देन बात करेंगे गेटिंग हेल्प पे। तो गेटिंग हेल्प तो आप सभी लोग जानते होंगे, गेटिंग हेल्प में क्या होता है कि आप सर्च हेल्प में जाते हैं और उसमें जो आप नोट करते हैं, कोई भी जो भी आप नोट करना चाहते हैं, टूल बार, बैक एंड फॉरवर्ड बटन, या लिंक्स ऑन बेसिस ऑफ हेल्प वी आर क्लिक ऑन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे आप अगर कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे आप अपनी हेल्प जो सर्च कर पाते हैं। देन बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के रिलेटेड जो टर्म कंडीशंस की। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वो है GUI, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है GUI का, तो यहाँ पे आपका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस पे बात करेंगे ये होता क्या है, तो इसके बारे में बताएंगे। इन कंप्यूटिंग अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू इंटरफेस विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू ग्राफिकल आइकन एंड विजुअल इंडिकेटर सच एज सेकेंडरी नोटेशन एज अपोस्ट। तो यहाँ पे जो आपका विजुअल इंडिकेटर होता है, सेकेंडरी नोटेशन होता है, ये आपका जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देन हम बात करेंगे CUI। तो CUI का फुल फॉर्म होता है कमांड यूजर इंटरफेस। जैसे आपका अभी तक था GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ पे आपका CUI का कमांड यूजर इंटरफेस। तो इसका क्या यूज होता है, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इन विच वी यूज टेक्स्ट वर्ड्स नंबर्स सिंबल्स। तो कमांड यूजर इंटरफेस बेसिकली जो क्या होता है, हम टेक्स्ट के लिए, वर्ड के लिए, नंबर्स के लिए, सिंबल के लिए इसका यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस इन प्रोग्रामर्स। देन बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एसेसरीज के बारे में। तो द मैग्नीफायर, द मैग्नीफायर इज अ डिस्प्ले यूटिलिटी दैट मेक्स द कंप्यूटर स्क्रीन मोर रीडेबल बाय पीपल who have low version by creating a separate windows that displays the magnified portion of the screen। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मैग्नीफायर जो हमारा होता है, ये विशेष करके जो स्पेशल जो है जिसको आंखों में प्रॉब्लम होती है, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो इसको क्या करते हैं कि हम जिस भी वर्ड को या जिस इमेज को हम देखना चाहते हैं वहां पे हम माउस के कर्सर को ले जाते हैं, तो उसके हम सेटिंग से साइज कर देते हैं कि क्या साइज हमको देखनी है, 200%, 300%, 500%, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड जो है मिरर के टाइप का, अपर लेंस के टाइप का अलग दिखाता है बड़े फॉन्ट में। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ने में। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है, क्या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो होता है विजुअल कीबोर्ड होता है। जैसे अगर आप कोई भी किसी भी बैंक की अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो अगर आप लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो वहाँ पे अगर आप उसको यूज करते हैं तो माउस के थ्रू आप जो है कीज को जो है प्रेस करते हैं तो वो जो है आपकी राइट हो जाती, लिख जाती है, तो आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड डिस्प्ले इज अ विजुअल कीपैड कीबोर्ड विद ऑल द स्टैंडर्ड कीज, यू कैन सेलेक्ट कीज यूजिंग द माउस और अनदर पॉइंटिंग डिवाइस। देन बात करेंगे डिस्क क्लीनअप की। तो डिस्क क्लीनअप में आपका क्या होता है कि जो डिलीट की हुई टेम्पररी इंटरनेट फाइलें होती हैं
इंटरनेट एक्सप्लोरर की या ओल्ड डाउनलोडेड प्रोग्राम्स फाइल की रिसाइकल बिन की, उसको आप वहाँ पे जो है डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिलीटेड टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स एंड डिलीट टेम्पररी फाइल्स न्यूअर वर्जन ऑफ डिस्क क्लीनिंग सिस्टम, इसको हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं। देन बात करेंगे रिसोर्सेज मॉनिटर की। तो रिसोर्सेज मॉनिटर में क्या होता है कि रिसोर्सेज मॉनिटर में द रिसोर्स मॉनिटर एप्लीकेशंस ऑफर्स अ डिटेल्ड लुक योर कंप्यूटर रिसोर्सेज यूजेस। यू कैन व्यू कंप्यूटर वाइड सीपीयू डिस्क नेटवर्क एंड मेमोरी ग्राफिक्स और ड्रिल डाउन एंड व्यू पर प्रोसेस स्टैटिक्स फॉर ईच टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देन बात करेंगे टास्क शेड्यूलर की। तो टास्क शेड्यूलर में क्या होता है, अ टूल दैट अलाउ यू टू व्यू द कस्टमाइज्ड शेड्यूल टास्क ऑन योर कंप्यूटर इन एडिशन टू क्रिएटिंग योर ओन कस्टम शेड्यूल टास्क। फिर लास्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं डिस्क डेगमेंटर के। तो डिस्क डेगमेंटर में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग फ्रेगमेंटेड डेटा ऑन अ वॉल्यूम सच एज अ हार्ड डिस्क और स्टोरेज डिवाइस, सो इट विल बी वेरी यूजफुल। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे सीरीज में ये चीजें जो है आती हैं। देन हम अगर बात करते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन की, तो सिस्टम इंफॉर्मेशन से आप सभी लोग परिचित हैं। तो द सिस्टम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अलाउ यू टू व्यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट कंप्यूटर एवरीथिंग फ्रॉम द मॉडल नंबर ऑफ इट्स सीडी रोम ड्राइव टू इट्स अटैच पेरिफेरियल्स नंबर ऑफ इट्स सीडी रोम ड्राइव टू इट्स अटैच Peripherals, Configured, Environment, Variable and Startup Programs। जिन बात करेंगे character map की, तो आप character map जो है जैसे भी आप copy paste करते हैं वो आपको character map के अंदर में आता है। किसी भी window application में आप letter को foreign language में किसी में भी आप अगर use करते हैं तो ये आपका character map के अंदर में आता है। जिन बात करते हैं system restore की, तो इसको आप recovery के through system restore कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, system restorer recovery tool is Windows that allow you to reverse content kinds of changes made to the your computer। Then बात करेंगे कुछ शॉर्ट कीज की। तो शॉर्ट कीज में क्या होता है, विंडोज शॉर्ट कीज shift plus delete to delete, control plus c copy के लिए use, control v paste के लिए, control x cut के लिए, control f का जो यूज होता है जो फाइल मेन्यू को जो होता है choice के लिए current program में, alt e edit option open current program, Control A select all the matter in document, मतलब पूरे matter को copy select करने के लिए Control A का use होता है, Alt plus F4 choice open a location, जो आपका जो भी application open है उसको आप close करने के लिए, close open application के लिए Alt plus F4 का use करते हैं, Control plus ESC escape का use जो है आप start menu को open करने के लिए use करते हैं, print screen screenshot के लिए Alt plus tab का use होता है, switch along with the open application, F1 आपके help के लिए होता है, F2 जो की होती है rename के लिए, F3 search, F5 का refresh के लिए आप use करते हैं, Shift plus F10 का use होता है जो shortcut menu को जो है select करने के लिए, open a shortcut menu for the selected item। Then बात करते हैं F10 की, तो to activate the menu bar, F11 होता है to view the full screen, F11 का आप use करते हैं किसी भी प्रोग्राम को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए, Alt plus ESC स्विच द एप्लीकेशन ऑन द टास्क बार, Alt plus डाउन एरो ओपन ए ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। देन बात करेंगे विंडोज लोगों के लिए, तो स्टार्ट मेन्यू जो होता है उस पर जो लोगो होता है विंडोज मेन्यू विंडोज लोगो कहलाता है, विंडोज लोगो प्लस M मिनिमाइज ऑल, विंडोज लोगो प्लस D मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्लेज द डेस्कटॉप, विंडोज लोगो प्लस E ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज लोगो प्लस F फाइंड फाइल्स और फोल्डर, विंडोज लोगो प्लस अगर F हम कीपैड प्रेस करते हैं तो वहाँ पे फाइल्स को हम फाइंड करने के लिए, फोल्डर को फाइंड करने के लिए हमें हेल्प मिलती है, विंडोज लोगो प्लस ब्रेक सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, विंडोज लोगो प्लस L का यूज करते हैं तो लॉक द कंप्यूटर, विंडोज और L अगर हम यूज करते हैं उस लोगो का तो जो सिस्टम आपका लॉक हो जाता है। ये आपके एक्सटेंशन फाइल्स के फॉर्मेट आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं .xml, pdf, html, asp, docs, xls, back, temp, jpg, exe, vmp, dox, docx, tiff, crd, mdb। तो इसमें कुछ हैं जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, html, pdf, xml, doc, tmp, jpg, vmp, docx, इससे तो सभी लोग परिचित हैं, जिससे नहीं परिचित उस पर मैं आगे बात करेंगे।
तो अब हम एक्सटेंशन फाइल की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि अभी हमने इसी इमेज के बारे में बात किया था जिस इमेज भी डिस्कशन में था। तो एमएस वर्ड के लिए जो कोड होता है लास्ट में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो पॉइंट डीओसी लिखा होता है, एमएस एक्सेल के लिए लास्ट में पॉइंट एक्सएलएस, एमएस पावरपॉइंट के लिए पॉइंट पीपीटी डॉट पीपीटी, एमएस आउटलुक के लिए डॉट पीएसटी, एमएस एक्सेस की अगर कोई भी फाइल उसको आप ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो लास्ट में अगर आप देखते हैं नेम में तो डॉट एमबीडी एमडीबी लिखा होता है, पेंट में डॉट बीएमपी, अबाउट रीडर पीडीएफ में डॉट पीडीएफ, फोटोशॉप पे डॉट पीएचडी, नोटपैड पे अगर आप कोई भी फाइल डेटा सेव करते हैं उसको सेव करते हैं तो सेव लास्ट में आपका आता है डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट, वर्डपैड पे डॉट आरटीएफ, टेम्पररी फाइल्स डॉट टीएमपी, कोरल ड्रॉ के लिए डॉट सीडीआर, बैकअप फाइल्स के लिए डॉट बीएकी का यूज होता है। अगर कोई भी फाइल हम एक्सटेंशन करते हैं एक्सटेंशन फाइल, तो इमेज एक्सटेंशन फाइल अलग होती है, ऑडियो एक्सटेंशन फाइल जो है अलग होती है। तो डॉट जेपीईजी जो होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, डॉट जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, डॉट टीआईएफ टैग्ड इमेज फाइल, डॉट पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये हमारी जो होती है इमेज एक्सटेंशन फाइल होती है। बात करेंगे ऑडियो एक्सटेंशन फाइल की, तो ऑडियो एक्सटेंशन फाइल में क्या होता है कि आपकी विंडोज मीडिया ऑडियो फाइल डॉट डब्ल्यू एम ए, डॉट आर ए रियल ऑटो फाइल, डॉट एच डब्ल्यू ए सॉक वेब ऑडियो फाइल जो है आती हैं, ये आपकी जो है एक्सटेंशन फाइल होती हैं। देन हम बात करेंगे वीडियो एक्सटेंशन फाइल के बारे में, तो इसमें क्या होता है डॉट एम पी ई जी, तो यहाँ पे आपका होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, डॉट एफ एल वी फ्लैश वीडियो, तो यहाँ पे क्या होता है आप ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं इनकोडेड टू रन इन अ फ्लैश एनिमेशन, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो एग्जाम में पूछे कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे डॉट एफ एल वी लिखा हुआ मतलब थ्री वर्ड लिखे हुए हैं आपके और फुल फॉर्म में आपका फ्लैश वीडियो केवल दो है, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। देन बात करते हैं डॉट थ्री जी पी, द मोस्ट कॉमन वीडियो फॉर्मेट फॉर सेल फोन्स, जितने भी मोबाइल फोन में आप वीडियो देखते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन वीडियो 3GP होते हैं। आज के टाइम में MP4 और HD वीडियो देखे जा रहे हैं, आज के अगर हम दो साल एक साल पहले की बात करते हैं तो मैक्सिमम जितने भी लोग आप फोन में अपने मोबाइल फोन में वीडियो को देखते थे वो जो है 3GP फॉर्मेट के जितने भी वीडियो होते थे, वीडियो एक्सटेंशन फाइल जितनी भी होती है 3GP फाइल की जो होती थी उसी को यूज करते थे। देन हम बात करेंगे डॉट ए वी आई की, तो AVI में क्या होता है कि AVI में जो है ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव में डॉट AVI लास्ट में दिया होता है। फिर अगर हम बात करते हैं वेब एक्सटेंशन फाइल की, तो वेब एक्सटेंशन फाइल के बारे में बात करेंगे तो इसमें वेब एक्सटेंशन फाइल में क्या होता है डॉट HTML, HTML का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया, मैक्सिमम टाइम पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहां से आपको याद करना है 2 से 3 बार हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज क्या होता है वेब एक्सटेंशन फाइल के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है डॉट HTML। डॉट XML में क्या होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, डॉट XML, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंबल मार्कअप लैंग्वेज। डॉट ASP माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेज, अगर हम बात करते हैं डॉट JSP की तो जावा सर्वर पेज, इससे आप सभी लोग कॉमनली परिचित हैं। फिर हम एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं 2 से 3 लास्ट के जो है इमेज है बहुत ही एग्जाम में महत्वपूर्ण है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ से सबसे पहले हम फिर से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट दी हुई एक्सटेंशन फाइल की xml.pdf.html.asp.doc.bak.xls .tmp.jpeg.exe.bmp.docx.tiff.crd.mdb। तो अब हम इन सारे में डिटेल में एक बार फिर से चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं एमएस वर्ड के लिए जो भी हमारा शॉर्टकट होता है सेव कर फाइल को सेव करने के लिए, तो जो नेम आप कोई भी सेव करते हैं, हमने सेव किया मान लीजिए कोई भी वो एमएस वर्ड की फाइल उसको मैंने सेव किया आदर्श, तो वहां पे आदर्श के नाम के बाद आपका डॉट डीओसी आता है, यह आपका जो DOC होता है कोड होता है एक्सटेंशन फाइल होती है आपकी एमएस वर्ड के लिए यूज की जाती है।
फिर डॉट एक्सएलएस अगर आता है तो डॉट एक्सएलएस आपकी एक्सेल फाइल के जिसमें आप कोई भी जो है नंबर सिस्टम में फाइल्स आप बना के सेव करते हैं तो डॉट एक्सएलएस के लिए यूज होता है। बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट की, तो डॉट पीपीटी जो आता है पावर पॉइंट के लिए उसका यूटिलाइजेशन होता है। फिर हम बात करते हैं एमएस आउटलुक, तो एमएस आउटलुक के लिए क्या होता है डॉट पीएचटी, कोई भी फाइल्स एमएस आउटलुक से अगर आप यूज करते हैं सेव करते हैं तो डॉट पीएचटी आपका वहां लास्ट में सेव होता है। फिर बात करेंगे माई एक्सेज की एमएस एक्सेज में, तो एमएस एक्सेज में आपका क्या होता है कि एमएस एक्सेज में आपका जो है डॉट एमडीबी, कोई भी फाइल अगर आप एमएस एक्सेज की सेव करते हैं तो वहां पे जो है डॉट एमडीबी आता है। फिर हम अगर बात करते हैं पेंट की, तो आप सभी लोग पेंट से परिचित हैं, डॉट बीएमपी, एडोब रीडर तो पीडीएफ आप सभी लोग जानते हैं, हमको नहीं लगता कि ऐसा भी कोई होगा जो एडोब पीडीएफ के बारे में नहीं जानता हूं। फिर भी बता देता हूं कि कोई भी फाइल अगर पीडीएफ में है आप सेव करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी पीडीएफ फाइल ओपन किया सेव एज किया, फिर आपने नाम डाला किसी भी नाम के, मान लीजिए आप जो है एक्स वाई जेड आपने डाला, तो एक्स वाई जेड डॉट पीडीएफ लिखकर जो है फाइल आपकी सेव होगी। फाइल प्रॉपर्टीज में अगर आप जाएंगे ओपन करेंगे तो वहां पे आपका देखा एक्स वाई जेड डॉट पीडीएफ नेम से आपकी फाइल दिखाई देगी। फोटोशॉप की बात करते हैं तो डॉट पीएचडी, और नोटपैड की बात करते हैं तो डॉट टीएक्सटी। फिर हम बात करते हैं वर्ड पैड की तो डॉट आरटीएफ, टेम्पररी फाइल्स की बात करेंगे तो डॉट टीएमपी, बैकअप फाइल्स जो होते हैं डॉट बीके, बीएके का यूज होता है। फिर हम बात करेंगे दोबारा से एक्सटेंशन फाइल्स की, तो इमेज एक्सटेंशन फाइल अलग होती हैं, ऑडियो एक्सटेंशन फाइल अलग होती हैं, तो जो डॉट जेपीईजी तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका जो है यूज होता है इमेज एक्सटेंशन फाइल के लिए। कोई भी अगर आप इमेज को सेव कर सकते हैं, कोई भी फोटो को सेव करते हैं तो जिस नाम से सेव कर सकते हैं, माना मैंने किसी फोटो को राम के नाम से सेव किया तो राम डॉट जेपीईजी आपको फाइल की प्रॉपर्टी में उसका नाम दिखाई देगा। फिर हम बात करते हैं डॉट जीआईएफ की, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। बात करते हैं टीआईएफ की, टैग्ड इमेज फाइल, तो कोई भी फाइल अगर आप टीआईएफ सेव करते हैं तो लास्ट में आपके नेम के आगे डॉट टीआईएफ जो है लगाएगा। पीएनजी तो आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी मतलब फोटो या इमेज सेव की जाती हैं पीएनजी या जेपीईजी में ही सेव की जाती है, मैक्सिमम यूटिलाइज होती है, तो यहाँ पे पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स डॉट पीएनजी। फिर हम बात करते हैं ऑडियो एक्सटेंशन फाइल की, तो ऑडियो एक्सटेंशन फाइल जो होती है डॉट डब्ल्यू एम ए, विंडोज मीडिया ऑडियो फाइल इसका फुल फॉर्म होता है, तो डब्ल्यू एम ए का फुल फॉर्म क्या होता है विंडोज मीडिया ऑडियो फाइल। फिर बात करते हैं डॉट आर ए की, तो आर ए में क्या होता है, आर ए में आपका होता है रियल ऑडियो फाइल्स, आर ए का फुल फॉर्म जो होता है रियल ऑडियो फाइल्स, और ये जो ऑडियो एक्सटेंशन फाइल्स के लिए इसका यूज होता है। फिर बात करते हैं शॉक वेव ऑडियो फाइल्स की डॉट एच डब्ल्यू ए, तो एच डब्ल्यू ए का फुल फॉर्म होता है शॉक वेव ऑडियो फाइल्स, ये ऑडियो एक्सटेंशन फाइल्स के लिए यूज होता है। तो अब हम यहाँ पे अभी तक बात कर रहे थे इमेज एक्सटेंशन फाइल्स की और ऑडियो एक्सटेंशन फाइल्स की, तो इमेज एक्सटेंशन फाइल में आपका डॉट जेपीईजी, डॉट जीआईएफ, डॉट टीआईएफ, डॉट पीएनजी का यूज होता है। फिर हम बात करते हैं ऑडियो एक्सटेंशन फाइल की, तो ऑडियो एक्सटेंशन फाइल के लिए डॉट डब्ल्यू एम ए, डॉट आर ए, डॉट एच डब्ल्यू ए का यूटिलाइजेशन होता है, यूज होता है, ये सारी आपके एक्सटेंशन फाइल्स के अंदर आती हैं। फिर हम बात करेंगे एक्सटेंशन फाइल्स के अंदर वीडियो एक्सटेंशन फाइल्स और वेब एक्सटेंशन फाइल्स के बीच डिफरेंस के, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले वीडियो एक्सटेंशन फाइल की, तो वीडियो एक्सटेंशन फाइल में क्या होता है डॉट एम पी ई जी मीन्स मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो इसका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार इसका क्वेश्चन पूछा गया कि एम पी ई जी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे इसका यूज होता है, ये कहाँ पे आता है, किस एक्सटेंशन फाइल में आता है, वेब वीडियो में या वेब में, तो यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और इसका यूटिलाइजेशन जो वीडियो एक्सटेंशन फाइल्स के लिए होता है। फिर बात करते हैं डॉट एफ एल वी की, तो फ्लैश वीडियो, ये आपको इसके पहले मैंने अभी बताया था कि यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है कंफ्यूजिंग आपका ऑप्शन हो सकता है कि डॉट एफ एल वी मतलब यहाँ पे आपका थ्री वर्ड यूज किया गया है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्लैश वीडियो ही होता है। डॉट थ्री जी पी द मोस्ट कॉमन वीडियो फॉर्मेट फॉर सेलफोन्स, तो जो सेलफोन्स में जितने भी वीडियो मैक्सिमम आज के एक साल पहले दो साल पहले की बात करते हैं तो 95% लोग जो भी वीडियो फोन में देखते थे वॉच करते थे वो मैक्सिमम जो 3GP की वीडियो ही यूज करते थे। आज का जो ट्रेंड है वो 4GHD FHD के वीडियो यूज कर रहे हैं, लेकिन आज के पहले की जो बात करते हैं सब 3GP सपोर्टेबल ही फोन एंड्रॉइड फोन आपकी स्मार्टफोन अवेलेबल थी। फिर बात करते हैं डॉट AVI की, तो AVI का फुल फॉर्म जो होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है, तो जो भी आपकी वीडियो फाइल्स जो है
एक्सटेंशन फाइल डॉट ए बी आई का लास्ट में नेम होता है। जैसे कोई भी आप वीडियो सेव करते हैं, मान लीजिए ए बी सी, तो ए बी सी नाम से अगर आप कोई भी वीडियो सेव करते हैं तो अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं और अगर वो ऑडियो वीडियो इंटरलेव में अगर उसका फॉर्मेट होगा तो वहाँ पे नेम जो उसका होगा abc.abi के नाम से आपको वहाँ पे शो होगा। फिर बात करेंगे वेब एक्सटेंशन फाइल की, तो वेब एक्सटेंशन फाइल जो होती है उसमें क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका HTML का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया, काफी टाइम पूछा गया, तो यहाँ पे आपको इसको लर्न करने की जरूरत है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई भी जो वेब एक्सटेंशन फाइल आप सेव करते हैं तो उसमें जैसे आप शॉर्टकट सेव करते हैं तो उसमें आ जाता है इन HTML फॉर्मेट, इन XML फॉर्मेट। तो अगर आप HTML के फॉर्मेट में सेव करते हैं तो वहाँ पे फाइल लास्ट में डॉट HTML जो है आपका होता है शॉर्टकट में। अगर आप XML यूज करते हैं तो XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और अगर आप यूज करते हैं डॉट ASP तो इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेज। तो इसका भी आपका ऑप्शन अगर एग्जाम में पूछा जाता तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि आपका फुल फॉर्म पूछा जाएगा ASP का, ASP मीन्स एक्टिव सर्वर पेज, लेकिन यहाँ पे आपके दो ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन होगा एक्टिव सर्वर पेज, दूसरा होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेज। तो यहाँ पे आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेज को आपको टिक करना है ऑप्शन। देन बात करते हैं डॉट जीएसपी की, तो जीएसपी में होता है जावा सर्वर पेज। तो यहाँ पे जो आप डॉट जीएसपी में होगा जावा सर्वर पेज के लिए आप जो है ऑप्शन को टिक करेंगे। देन बात करते हैं कुछ अदर एक्सटेंशन फाइल्स की, तो डॉट बीएमपी, ये होता है इसका फुल फॉर्म बिट मैप पिक्चर। डॉट SYS होता है सिस्टम फाइल। डॉट PDF तो आप सभी लोग जानते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ये एडोब रीडर के लिए होता है। डॉट RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। डॉट टोरेंट, टोरेंट के लिए क्या होता है, बिट टोरेंट फाइल, किसी भी फाइल को जो आप सेव करते हैं टोरेंट के थ्रू, आप यूट्यूब से वीडियो जैसे डाउनलोड करते हैं तो उसके लिंक आप टोरेंट पे अपलोड डालते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो उसको आप डाउनलोड करते हैं, तो जो फाइल आप सेव करते हैं तो उसमें लास्ट में जो आपका लिखा होता है फाइल का नेम होता है डॉट torrent, वो जो है बिट टोरेंट फाइल होती है। फिर हम बात करेंगे डॉट RAR, तो इसका RAR का फुल फॉर्म होता है RAR कंप्रेस्ड फाइल। तो जो ये फाइलें जो होती हैं ये आपकी एक्सटेंशन फाइल में आती हैं, GIP, ZIP तो आप सभी लोग जानते हो, एक्सटेंडेड ZIP फाइल, जो भी बड़ी फाइलें होती है 10 से 12 इमेज आप इकट्ठा कर आप शेयर करते हैं, तो अगर आप ZIP फॉर्मेट में शेयर करते हैं तो एक्सटेंडेड ZIP फाइल इसका फुल फॉर्म होता है। इसको अगर आप शेयर करते हैं तो ये वायरस फ्री होता है, इसके अंदर जो वायरस नहीं जाते हैं इस फाइल के अंदर, ये फाइल जो है सिक्योरिटी के पर्पज से सबसे सेफ मानी जाती है। फिर बात करते हैं डॉट exe की, तो exe का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये जो भी फाइल आप सेव करते हैं इसके फाइल के नेम की लास्ट में अगर आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो वहाँ पे डॉट exe होता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा था सॉफ्टवेयर पे जो है हमारा वीडियो लेक्चर था, और आप देख रहे हैं और इसको देखते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपने अभी वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट या कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में दें, फीडबैक दें। धन्यवाद।